A great parent is not the one who gives the most money, not the one who gives the most toys, not the one who gives the best place to live. A great parent is the one who gives attention to their children. Being a parent is not a job, it's a privilege. Being a parent is not a burden, it's a blessing. To be a great parent, all you need to do is be present with your child, not give them presents. Be present. Today, on the auspicious day of 30th Group Day celebration of Vivekananda Group, the group members of Officers Colony Group is going to present a creative dance based on the relationship between a children and their parents. Let's have a look on the presentation. आज ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, सब काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। मम्मी मम्मी मेरे साथ खेलो ना। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, जाओ ना पापा के पास जाओ। पापा पापा मेरे साथ खेलो ना। अरे रोहिणी बेटा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ और मम्मी को भी ऑफिस पे छोड़ना होगा, तो हम लोग ऑफिस के बाद आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये लो मेरा मोबाइल फोन, ऑनलाइन क्लास अच्छे से करना और बिल्कुल नहीं रोना धोना जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते। कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे ने भूलूं, दिल को क्या समझाऊं, कितनी बातें कहने की है, होंठों पर जो सहमी सी है, एक रोज ने सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम, क्यों पूरी हो ना पाई दास्ता। स्कूल खोलने के बाद। हेलो मिसेस शर्मा, मैं रोहिणी के स्कूल से उसका प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। मैं आपके लड़की के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसे बोलिए, बच्चे को कुछ हुआ है क्या? देखिए आपकी लड़की का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और आज तो हरी हो गई है। आपको पता है आज वो स्कूल में मोबाइल फोन के साथ पकड़ी गई है। डॉक्टर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ आइए आइए, बैठिए, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। देखिए ना डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को क्या हुआ है? अब तो वो कुछ दिनों से ना ठीक से खाना खा रहा है और अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, ना ही हमसे ठीक से बात कर रहा। क्या आप दोनों ही नौकरी करते हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब। आप दोनों जब काम पर चले जाते हैं तब क्या आपका बच्चा अकेला रहता है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसलिए तो हमने उसे मोबाइल दे के रखा है ताकि वह अकेला ना पड़े। तो प्रॉब्लम है, आप दोनों जब बाहर चले जा रहे हैं तब आप दोनों का प्यार वो मोबाइल से पा रहा है, और जब आप दोनों उसका मोबाइल ही छीन ले रहे हैं तब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ जा रहा है और सदमे में चला जाता है, और उसके दिमाग में बहुत ही अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं, और इसी अजीबोगरीब ख्यालात में वो कभी कभी गलत कदम उठा ले सकते हैं। इसीलिए आप दोनों को मैं सलाह दूंगा कि अपने बच्चे को प्यार करें, उनके साथ समय बिताएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब से हम ये ध्यान रखेंगे कि उसको अकेला ना छोड़े और उसको प्यार दे और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें।
तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, आबोदाना तेरा हाथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला हाँ सब हुए मुश्किल। सो बी अ पेरेंट and give your children's your valuable presence.